जय युवा, जय युवा, खाने पेंशन, जय युवा, जय युवा। जो तोड़ दे मेरे हौसलों को अभी वो तूफान उठा नहीं है। हमारे हौसलों को तोड़ने वाला तूफान अभी तक उठा नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना इस वीडियो को पूरा वॉच करना, यानी कि पूरा देखना, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, तभी जो है आप सभी लोगों की जो OPS को लेकर जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुँचेगी। क्योंकि गाइस, अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे और पूरा वॉच नहीं करेंगे तो जो वीडियो है गाइस उस पर व्यूज़ डाउन हो जाएंगे। इस वजह से जो है गाइस जो वीडियो है वो रुक जाएगी। तो इसलिए गाइस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और पूरा वॉच करना। तो आइए अब ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं गाइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि गाइस कल मैं जो है लखनऊ जाने वाला हूँ गाइस फिर से। अभी गाइस कुछ टाइम पहले ही जो है मैं लखनऊ गया था, और कल मैं जो है गाइस फिर से लखनऊ जाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस कल जो है लखनऊ में अम्बेडकर पार्क से जो है OPS को लेकर एक रैली निकलने वाली है। तो हमारे बरेली से जो है गाइस काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। तो मेरे जो चाचा हैं गाइस वो भी जो है इसी में शामिल हैं। मेरे जो चाचा हैं गाइस वो तो हर टाइम मतलब कि अपना पूरा जो समय ज़्यादा से ज़्यादा वो OPS के लिए देते हैं गाइस, क्योंकि उनका मेन मकसद गाइस OPS को बहाल कराना ही है। तो इसलिए गाइस जो मेरे चाचा हैं वो भी जा रहे हैं, तो मेरे जो चाचा हैं गाइस वो मुझे भी साथ लेके जा रहे हैं, तो मैं भी जो है गाइस चाचा के साथ जाऊँगा। तो मैंने सोचा गाइस क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए और आप सभी लोगों को भी दिखाया जाए। तो वैसे तो गाइस मैंने उस टाइम जब मैं लखनऊ गया था तो मैंने आपको जो है काफ़ी सारी वहाँ की जो फेमस चीज़ें थी वो दिखाई थी, और लेकिन गाइस हम लोग जब उस टाइम गए थे तो हमने जो है गाइस अम्बेडकर पार्क नहीं देखा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है लोग मतलब कि लखनऊ का। तो कल जो है गाइस जाएंगे तो वहाँ का जो लखनऊ का अम्बेडकर पार्क है गाइस वो भी आप लोगों को भी दिखाएंगे, और इसके साथ ही गाइस मैं भी जो है पहली बार देखूँगा। तो गाइस हमारे यहाँ से जो है गाइस कल जो है सुबह 4 बजे जो है निकलना है। तो 84 घंटा मंदिर पे गए सभी लोग जो है इकट्ठे होंगे, और वहाँ से गए हम सभी लोग जो है बस से जाएंगे लखनऊ। तो इसलिए गए अभी मैं जो है अपने चाचा के घर पे जा रहा हूँ, तो आज जो है गए मैं वहीं रुकूंगा, क्योंकि गए यहाँ से जाएंगे तो सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड भी होती है, और 4 बजे जो है गए इतनी जल्दी ऑटो वगैरह भी नहीं चलते हैं। तो मैं जो है गए वहीं चाचा के घर पर जाऊँगा, वहीं रुकूँगा, और वहीं से जो है गए सुबह हम लोग जो है लखनऊ के लिए निकलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तो जो है शाम के 3 बज रहे हैं, तो मैं जो है गाइस यहाँ से 5:30 या 6 बजे जो है निकल जाऊँगा चाचा के घर के लिए। तो बाकी का ब्लॉग जो है गाइस थोड़ी देर में शूट करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स शाम हो चुकी है और अब मैं जो है गाइस चाचा के घर पे जा रहा हूँ अभी। तो बाकी का जो ब्लॉग है गाइस वो मैं सुबह शूट करूँगा, वरना काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो ठीक है ना गाइस, सुबह मिलते हैं 4 बजे। तो फ्रेंड्स सुबह हो चुकी है और हम लोग जो है तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम जो है सब 84 घंटा मंदिर पर जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर ही जो है सारे लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ से ही जो है हमें बस मिलेगी। तो चलो चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है बस के अंदर आ चुके हैं, तो अभी तो फ्रेंड्स कोई भी नहीं आया है, देख सकते हैं मेरे पीछे जो है सारी सीटें भी खाली पड़ी हैं, क्योंकि गाइस अभी जो है पूरे 4 बजे हैं और थोड़ी देर के बाद ही गाइस जो ये सारी सीटें हैं ये पूरी फुल हो जाएंगी। तो चलो गाइस थोड़ी देर के बाद जो है आपको व्यू दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अब ज़रा एक बार देखो, जो अभी सारी की सारी सीटें खाली पड़ी थी, पूरी सीटें भर चुकी हैं, और इतने सारे गाइस लोग आए थे कि जगह भी नहीं थी, तो आधे लोग तो जो है गाइस दूसरी बस में गए हैं और सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो बस है वो अब चल चुकी है, तो ज़रा एक बार व्यू चेक करो। जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा भारत माता की विजय, बंधु संघर्ष करो, बंधु जी संघर्ष करो, बंधु जी संघर्ष करो, साथियों पुरानी पेंशन के लिए एक निर्णायक मोड़ पे लेके आएगा हम लोग। और मैं आपको बता दूं, हमारे मध्य में हमारा भतीजा जो अभी BSc का छात्र है, समय मैंने कहा आप भी चलो, और वो भी हमारे साथ आया हुआ है। श्याम सुंदर जी सुन रहे हैं, और आप अच्छे जो है ब्लॉगर हैं, मैंने कहा आप हमारा अच्छा ब्लॉग बनाइए, सब्सक्राइबर हम देंगे आपके। अरे बेटा खड़ा हो जाए जरा, ठीक है नहीं, छोटा सा है बच्चा अभी, ये श्याम सुंदर जी है, ये आगे बाकी संगत में साथी बनने हैं।
देखिए गुनगुनाते चलते हैं, ऐसे नहीं जाना, सफर ऐसे नहीं कटेगा और कटेगा मस्ती से कटेगा। पेंशन भी लेनी है और टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन देनी है हमें, फोन लेना नहीं है। लेकर रहेंगे पुरानी पेंशन, बोलो पुरानी पेंशन हक है हमारा, कर रहेंगे पुरानी पेंशन। आवाज आनी चाहिए, पुरानी पेंशन हक है हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो सफर लंबा है, चलो। और यहाँ देखो फ्रेंड्स, जो बारिश है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, तो काफ़ी देर से गाइस जो है बारिश हो रही है अभी। विवेक का प्रयोग ही नहीं करते। मुझसे लोग कहते हैं, अभी किसी मीटिंग में जाता हूँ तो कहते हैं जितना भी आजकल तो आप जो है ऑफिस वाले आते लगे हो। तो मैंने कहा सर ये बताइए बुराई क्या है। मेरा परिवार प्राथमिकता में है, मेरा जीवन प्राथमिकता में है और वो चलता है सर रोटी से। और मुझे मालूम है साथियों, जब आप मृत होते हैं ना, मृत का मतलब है जब नौकरी हम लोग क्रॉसलेट कर देंगे तो पूछने वाला कोई नहीं होगा। और आज लड़ लो साथियों, हम भी नहीं कहेंगे चलो अटेवा कार्यक्रम में, क्योंकि कहा उसी से जा रहा है जो जीवित है। और साथियों ये खुशखबरी आप लोगों के लिए, इस बस में जितने लोग बैठे हैं वो सारे लोग जीवित हैं, सारे लोग जीवित हैं साथियों। साबित किया ये कि हम अगर 4 बजे अगर निकलना पड़े साथियों, और वो भी मैं मात शक्ति को सैल्यूट करता हूँ। एक दिन हम अकेले एक मैडम क्या गए ओपीएस में है, तो अगर हम अलग कमरे में ले गई पुलिस सर ये बताओ पेंशन क्या बहाल होगी? पेंशन बहाल हो जाएगी? तो मैंने कहा मैम, जैसे मुनीश गंगवार जी ने मुझे भरोसा दिलाया कि 100% नहीं 200% पेंशन बहाल होगी, बशर्ते आप अपना देते कितना, कितने परसेंट आप सक्रियता में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है ना, अब सरकार को मालूम है कि ये कुछ है तो है नहीं सरकारी कर्मचारी, सोया हुआ प्राणी कर क्या लोगे हमारा। तो मैं ये चाहता हूँ साथियों ना, कि जितने लोग यहाँ जीवित हैं, जब भी हम अपने अपने
ब्लॉक में अपने अपने स्कूलों में वापस हों तो अगली बार हम प्रूव करते हैं कि हमसे सब कुछ है, हमसे सब कुछ है। हम जो करेंगे वही निर्णायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। पूरा का पूरा ऑटो जो है इस पलट चुका है। तो आप लोग भी जो है कोहरे में आराम से गाड़ी चलाइए। वास्तविकता मैं बता दूं, जब स्टार्टिंग में जुड़ा था तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये संगठन इतना विशाल वृक्ष की तरह हो जाएगा। ये युवा कहते एक नारी सब पे भारी, बाकी सब पे भारी है। और ऐसे लोग भी हमारे साथ है जो हमारे साथ भी है, उनके साथ भी, और वास्तव में वो किसी के साथ नहीं है जी। और कुछ भी नया और हमने देख रहे हो जो हमने देखा नहीं हो, कुछ भी नहीं है। अब हम जो नया देख रहे हैं वो देख रहे हैं सोशल मीडिया। समय सोशल मीडिया नहीं था, हमारे आने जाने के साधन पर्याप्त नहीं थे, साधन कम थे। आज के समय में आप उन लोगों को दरकिनार कर दीजिए, बिल्कुल संपर्क में रहिए, दरकिनार करके उनको थोड़ा सा नेगलेक्ट करके देखिए, उनको अपने आप महसूस होगा कि हमें जाना चाहिए या नहीं। समझाने वाली बात तो है ही नहीं है, बताओ समझाने वाली बात है नहीं। कोई बता दे ये समझाने वाली बात है? बिल्कुल ना सर, केवल बताने वाली बात समझता हूँ मैं तो इसे। अपनी बात हाँ, अभी देखिए कुछ लोगों का क्या समझ आएगा आपके बाद। अरे भाई साहब आपने बताया नहीं, बस बात मानो मैं पता ही नहीं चला। बात मानिए आपके साथ का एक ना एक व्यक्ति अवश्य कहेगा ये बात, आज कल परसों एक महीने बाद जरूर कहेगा। मैं कहना नहीं चाहूंगा, सबका धन्यवाद। सभी लोग आइए, सभी लोग जाइए, हर धरने में चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ है, जरूरी नहीं आप अकेवा के संगठन में जाएंगे तभी आप एक्टिव रहेंगे। आप अकेवा का संगठन अगर एक साल के बाद धरना लगाता है तब तक तो आप ढील हो जाएंगे जी। अगर आप किसी अन्य संगठन में जाते हैं विश्वास मानिए आपकी शक्ति बनी रहेगी जी आने जाने से। बाकी धन्यवाद। मेरा नाम पवन दत्त है, प्राथमिक विद्यालय सरोरा विकास क्षेत्र नवाब। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। आगे आगे चलना है, कोई हिम्मत हारे मत बैठो। साथियों बिल्कुल हमें हिम्मत नहीं हारनी है, और इस संगठन के द्वारा हम अपने जो अधिकार है हमारा वो भी है, हम उसको लेते रहेंगे। जय युवा, जय जय अटेवा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी भी आंधियां आ जाए लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। चले जो आंधी वो तिनका उजड़ जाए, आसिया गम नहीं है। जो तोड़ दे मेरे हौसलों को अभी वो तूफान उठा नहीं है। हमारे हौसलों को तोड़ने वाला तूफान अभी तक उठा नहीं है। तो इसके बाद लाइन गुनगुनाएंगे, थोड़ा टाइम हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। अभी है कदम से कदम जो मिला कर चलोगे, गाइए कदम से कदम जो मिला कर चलोगे, कदम से कदम जो मिला कर चलोगे, कदम से कदम जो मिला
मिलाकर चलोगे मंजिल को अपनी मंजिल को अपनी पाकर रहोगे कदम से कदम जो मिलाकर चलोगे कदम से कदम तो फाइनली फ्रेंड्स अब कुछ ही देर के बाद जो है हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली अब कहीं जाके गाइस हमारी जो एंट्री है वो लखनऊ में हो चुकी है। जो है अम्बेडकर पार्क पहुंच चुके हैं तो यहाँ पे जो अभी रैली वगैरह निकल रही है तो चलो जरा आपको भी दिखाते हैं चल के गाइस। हम तुम्हारे साथ हैं। जय युवा जय युवा फ्रेंड्स। अभी मैं जो है अपने घर पे आ चुका हूँ और मैं जो है फ्रेंड्स सच बता रहा हूँ कि आप लोगों का संघर्ष देख के ना मुझे अब तो लगता है कि जो ओपीएस है ना वो सच में बहाल होगी गाइस, क्योंकि ये जो ओपीएस ना वो आप लोगों का हक भी है और मिलना भी चाहिए। और गाइस रियलिटी बता रहा हूँ कि बस में 6 से 7 घंटे हमें पता ही नहीं चले कि जो है गाइस हम कब लखनऊ पहुँच गए और कब लखनऊ से वापस आ गए। बिल्कुल भी गाइस बोर भी नहीं हुए और बिल्कुल नींद भी नहीं आई गाइस। थोड़ी बहुत नींद आई होगी तो आई हो, लेकिन बिल्कुल नींद भी नहीं आई और बहुत ही अच्छा लगा गाइस आप लोगों का संघर्ष देख के। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गाइस आप सभी लोग अपना संघर्ष जारी रखिए, कभी ना कभी जो है ओपीएस बहाल जरूर होगी। और इसी के साथ गाइस टोल लाइन में और भी कहना चाहूँगा कि आप जो है तब तक हार नहीं मानते जब तक आप खुद से ना हार जाएं, और आप तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप खुद से ना जीत जाएं। अगर आपको गाइस दुनिया से जीतना है तो उससे पहले खुद से जीतना होगा। जिस दिन आप गाइस खुद से जीतने लगे ना उस दिन आप दुनिया से जीतने लगेंगे। तो इसी के साथ गाइस आज का जो ब्लॉग है वो बस यही एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत। ए युवा जय।